नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर लिया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद इसका ऐलान किया है और मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि उनकी कंपनी सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर नहीं जानी जाए, बल्कि उनकी कंपनी मेटावर्स वर्ल्ड की तैयारी कर रही है। और अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, यहां आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम सिर्फ नाम बदला है, यानी फेसबुक का बतौर कंपनी नाम बदलकर मेटा किया गया है। कंपनी के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन्हें इन्हीं नामों से जाना जाएगा, यानी कंपनी का नाम बदलने से यूजर्स पर सीधा असर नहीं होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर लिया है और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद इसका ऐलान किया है। मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि उनकी कंपनी सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर नहीं जानी जाए, बल्कि उनकी कंपनी जो है मेटावर्स वर्ल्ड की तैयारी कर रही है, यानी कि जो और इन चीजों से लिंक है उनको नहीं बदला जाएगा। यानी फेसबुक का बतौर कंपनी नाम बदलकर मेटा किया गया है और जो प्लेटफॉर्म से, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन्हीं नामों से आगे भी जाने जाते रहेंगे। और उधर जिस तरीके से यह ऐलान किया गया है, उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं और इन्हें इन्हीं नामों से जाना जाएगा, यानी कंपनी का नाम बदलने से यूजर्स पर सीधा असर नहीं होगा। और अब आइए आपको जानकारी देते हैं कि फेसबुक का नाम क्यों बदला गया है। तो मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सोशल मीडिया से मेटावर्स वर्ल्ड में जाने के लिए कंपनी की पहचान सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, 10,000 लोगों को हायर करेगी मेटा कंपनी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार ये नाम क्यों बदला गया। मेटावर्स को वर्चुअल रियलिटी की तरह समझ सकते हैं और मेटावर्स से लोग डिजिटली एक दूसरे से मिल सकेंगे, यानी कि डिजिटली एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए भी यह अहम कदम उठाया गया है और सिर्फ पेरेंट कंपनी के नाम में बदलाव किया गया है। और इसके अलावा जो फेसबुक अभी तक यूज कर रहे थे, सिर्फ उसका नाम बदला गया है, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का नाम नहीं बदला गया है। तो फेसबुक का नाम क्यों बदला गया है वो आपको बता रहे हैं। पहली वजह है ब्रांड प्रमोशन की नई रणनीति बनाने के लिए, और दूसरी वजह की अगर बात करें तो इसमें पेरेंट कंपनी का नाम प्लेटफॉर्म से अलग रखने के लिए ऐसा किया गया है। जबकि एक और वजह भी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि तीसरी वजह की अगर बात करें तो कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ ना इंसाफी ना हो। चौथी वजह 3D तकनीक के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश के मकसद से ऐसा किया गया है। और पांचवी वजह की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन को वर्चुअल करने की चाहत के चलते ऐसा फैसला लिया गया। और किस प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स हैं तो वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देते हैं। फेसबुक की अगर बात करें तो दुनिया में 289 करोड़ भारत में हैं और 40 करोड़ के और भी ज्यादा यूजर्स इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो दुनिया में 200 करोड़ भारत, 53 करोड़, और इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो दुनिया में 100 करोड़ भारत, 21 करोड़। जबकि मैसेंजर की अगर बात करें तो मैसेंजर में दुनिया 130 करोड़ भारत और 14 करोड़। तो ये पूरी जानकारी आपको बताई हमने कि किस प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स जुड़े हुए हैं और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका ऐलान किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटली लोगों को जोड़ा जा सके। सिर्फ नाम बदला है लेकिन पहचान नहीं बदली है। और जो सोशल कनेक्टिविटी के लिए आप प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहे थे, चाहे वो इंस्टा की अगर बात हो या फिर व्हाट्सएप की बात हो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो वैसे का वैसा रहेगा। तो इसको लेकर कई वजहें अभी तक निकलकर सामने आई हैं। कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ नाइंसाफी ना हो, तकनीक के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश के मकसद से ऐसा किया गया है, तो मेटा अब नाम रखा गया है फेसबुक का, 3D तकनीक के जरिए लोगों के बीच ज्यादा कनेक्टिविटी रहे और लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़ पाए, उसी मकसद से इसका नाम मेटा किया गया है। तकनीक के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश के मकसद से भी इस फैसले को देखा जा रहा है। और पहली वजह जो निकलकर सामने आ रही है
वो ब्रांड प्रमोशन की नई रणनीति बनाने के लिए भी ऐसा किया गया है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद इस बाबत जानकारी दी है। 10,000 लोगों को हायर करेगी मेटा कंपनी, ऐसी भी जानकारी हाथ लगी है। और मेटावर्स वर्ल्ड में जाने के लिए कंपनी की पहचान सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, 10,000 लोगों को इसके लिए हायर भी किया जाएगा।